कंसंट्रेशन वाला, यही बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं क्या है। ठीक है, वाटरफॉल के अंदर चार्टर बनाता है, इनिशिएट कर दिया प्रोजेक्ट, क्या करना है, पूरा प्लान बनेगा 100%, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं कहता हूं कुछ चेंज आ गई यहाँ पे, तो एग्जीक्यूशन पैरेलल में ये एमएनसी चाहिए, ठीक है, तो देन क्लोज हो। ये है वाटरफॉल। एजाइल के अंदर क्या होगा, एज्यूमिंग सेम स्ट्रक्चर, चार्टर बनेगा, बनेगा कोई एग्रीमेंट होगा, कोई चार्टर होगा, हम डिफाइन करेंगे चार्ट में करना क्या है ओवरऑल, एज एन ओवरऑल क्या चीज चीज करनी है, गो इट गोज इनटू अ प्लान का पार्ट है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं 100% प्लान नहीं करूंगा, मैं करूंगा 10%, ठीक है, इसकी प्लानिंग प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एजाइल रिलीज प्लानिंग हमने कवर किया था, अगर आपको याद हो, स्केजुलिंग के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट था, हाँ अभी अभी अब वही समझ लें, ठीक है, एजाइल रिलीज, इसको हमने इस तरह भी देखा था कि मैंने बताया था कि डिफरेंट रिलीजेज होती हैं, रिलीजेज में आता है कि वर्जन आ रहे होते हैं, तो मार्कर बन रहे ना, तो इस मार्कर में जो सबसे पहले होल बन रहे ना, तो ये वर्जन मानना है, ये रिलीज मानना है, तो सबसे पहले इसका इसका प्लान लूंगा कि किस दिन बनेगा, फिर इसका कैप है, इसका प्लान लूंगा रिलीज टू है, फिर इसकी टिप है, फिर इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बनेगा, राइट, फिर इसके बैक एंड में भी कैप है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाटरफॉल में मैं इसका कंप्लीट होल प्लान बनाता हूँ, पहले दिन डब्ल्यूएस बना के कंप्लीट 100% प्लान बना के एग्जीक्यूशन करता हूँ, ठीक, एजाइल के अंदर इस तरह नहीं करूंगा, एजाइल के अंदर मैं रिलीज प्लान लूंगा कि पहले दिन ये बनेगा, पहले रिलीज में ये बनेगा, दूसरी रिलीज में ये, तीसरी में ये, चौथी में, और ये रिलीजेस पैरेलल में चलेंगे। आप इसी को ले, चेंज आ गई प्रोसेस, वो कहता है टिप मुझे चेंज कर दो, ठीक, तो टिप चेंज करने के लिए क्या बाकी स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है, प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ठीक, इसी को वाटरफॉल में ले लें, वो कहते हैं टिप चेंज कर दो, क्या करेंगे, रोकेंगे प्रोजेक्ट, सब रोकेंगे, वापस जाएंगे चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास, सेकंड स्टेप ये है ना, वो एक्सेप्ट करेगा तो वापस आकर एग्जीक्यूशन करेंगे, नहीं तो ये रुका हुआ पूरा प्रोजेक्ट, ठीक, एजाइल के अंदर इस तरह नहीं है, डिफरेंट टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी और वो टीम स्किल्ड है, अब डेलीगेशन चेंज की इनके पास है, दे आर ऑथोराइज्ड, यहाँ अगर चेंज आई है तो वो अगर सर्टेन लेवल की, जहाँ पे होल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं है मेन, तो फिर तो एक्सेप्ट करें आगे चले, ठीक है, और इसको हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे इसके प्रोसेस क्या है, तो वो देखें ना इसके अगली साइड में, ठीक, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले पीपल को एज देना ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, मैं हर दफा जाके प्रोसेस टूल्स ही देखूंगा, अगर कोई कस्टमर के पास आता है वो कहता है इसके अंदर ये चीज चेंज कर दो, तो मैं कर दूंगा। अब इसको और समझने के लिए ना एक आईटी की एग्जांपल दे सकते हैं, ये समझ ले एक वेब पेज है, ठीक, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो तो कोडिंग या वो साइट चले गए, अभी अभी अपेरेंटली विजुअली इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइट, मैं आपके पास आया यार इसका कलर ब्लू कर दो, कितनी देर लगेगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये घर बन रहा है, मैं आपसे कोई दीवार टाके आगे कर दूं, करेंगे जाल के अंदर, नहीं करेंगे, ये क्या है, इसी तरह की चीज है, ये चीज इसी तरह की है, इसी तरह की है, पेंट हो रहा है, आप समझ चले इसको पेंट से अलाइन कर लें, ये तीन चार दीवारें पेंट हो रही हैं, आप कलर कोई नहीं लाए, एक ऑफ वाइट कलर लाए हैं, वो कर रहे हैं, मैं आता हूँ यार छोड़ो इसको ब्लू कर दो, कर देंगे, रोकेंगे ना इसको, ये जाल के अंदर इस तरह नहीं करेंगे, ठीक, आप उसे ओके कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दोबारा रन करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये लोअर साइड पे जाएंगी प्रोसेस पे, ताकि हम दोबारा जाकर मैं दोबारा एक चेंज कंट्रोल का रन नहीं करूंगा प्रोसेस, ठीक है, मैं कहूंगा ओके एक्सेप्टेबल है, इसको हम चेंज कर देते हैं, बट इट विल टेक टाइम, अब इसको कहते हैं इस इन टर्म पे ना स्प्रिंट्स, थोड़ा वैसे आगे हम जल्दी भाग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी, दीवार आगे नहीं जा सकती, ठीक है, ये पेंट तो चेंज हो सकता, अनलेस कि मैं चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास आऊंगा, वाटरफॉल में एजाइल के अंदर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उठाऊंगा कोड करूंगा इसका, फिर वॉट बैक एंड चेंज कर दूंगा, करेगा, ठीक है, चेंज करके फिर शो करूंगा, वो करेगा, ठीक है जी, एक्सेप्ट,
आगे चलेंगे, इंस्टेड कि मैं इसी के अगेंस्ट प्रोसेस पे चला जाऊं। ये कितनी बड़ी चेंज है, बड़ी नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना। तो मेरी ये डेलीगेशन है, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक। अब मैं क्यों कर सकता हूँ, चले इसको यही अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। जो ये एजाइल की टीम्स होंगी ना, ये होंगी अप टू 9 मेंबर्स, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब 4 to 9 मेंबर की टीम होती है। स्क्रम मास्टर इसका पार्ट होता है। स्क्रम मास्टर अब देखें, अब यहां समझने के आप ट्रेनिंग के लिए अकेले है ना, 5 बंदे बैठे हैं, ठीक। अब मेरा काम क्या है, आप लोगों ने ना इधर ट्रेनिंग होगी, आप लोगों ने अपना अपना काम करना है। आप एक्सपर्ट हैं इन रीडिंग दिस बुक, ठीक। 4 बंदे हैं जो एक्सपर्ट हैं, एक इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सपर्ट है जो इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक एक्सपर्ट है जो समझ लें इसकी ना प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, ठीक। अब मैं जब एज ए कस्टमर नोट करता हूँ पास, ठीक है, मैं आपसे कहूँगा इसका पेज नंबर 9 11 पढ़ो, कितनी देर लगेगी, 4 ही लगेगी, ठीक है। तो आप ना आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी चेंज के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। और आप चेंज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर की एक्सेप्टेंस है ना, कस्टमर को वो चीज़ देंगे जो उसको चाहिए तो फिर एक्सेप्ट होगी ना। मीन वाइल ये बंदा प्रिंट कर रहा है, ये बंदा प्रूफ रीड कर रहा है, एक बंदा उसकी टाइपिंग कर रहा है, तो रुक रहा है काम, नहीं रुक रहा, ठीक है, चलता जा रहा है। एजाइल के अंदर ना ये जो टीम है ना, ये हाईली स्किल्ड होगी, हर बंदा एक्सपर्ट होगा अपने काम का, ठीक है। अनलाइक वाटरफॉल में इस तरह नहीं होता, वाटरफॉल में मिस्त्री आपको ही उठा के ले आते हैं, ठीक है, और उसके 4 बंदे साथ जाएंगे जो ईंटें पहुंचाए, इसमें इस तरह नहीं है। और जो स्क्रम मास्टर है वो बेसिकली क्या है, वो सर्वेंट लीडरशिप है। अब क्या होगा, आप डेली डे एंड पे जब काम खत्म करेंगे ना, अगले दिन सुबह आएंगे वापस, सुबह आके स्क्रम मास्टर उसको कहते हैं, वो डेली स्टैंडर्ड मीटिंग, वो सुबह खड़ा होगा ना, आप एक जगह वो डिसाइड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं एक जगह डिसाइड करें, वो इन्वायरमेंट एक जैसा हो जहाँ लोग डिस्कस करें, तो क्या होगा डेली ना उनका माइंड डेवलप होगा, यहाँ हमने डिस्कस करना है डेली। वो क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल बॉटलनेक्स क्या थी कल, ठीक, और आज हमने काम क्या करना है। स्क्रम मास्टर का रोल ये है, वो जो बॉटलनेक्स है ना उसको रिमूव करना, पता किस तरह की बॉटलनेक्स, उसमें मिनिमम भी देख लें चाय नहीं मिली कल, तो स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फैसिलिटेट करे कि उसको चाय मिलनी चाहिए उस टाइम पे। ये कहता है कि जी मुझे इस अगर फॉर इंस्टेंस ये कोडिंग के लिए कलर करना था बैक एंड पे, तो ये मैं बस स्टॉक में नहीं अवेलेबल, हमें लाइसेंस लेना है फॉर इंस्टेंस, तो वो काम उसको कहीं आप बाकी काम करें, लाइसेंस के लिए मैं हेल्प करता हूँ, तो क्या करेगा जो इम्पेडिमेंट्स है ना, जो हर्डल्स हैं, वो रिमूव करेगा स्क्रम मास्टर बस, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह अथॉरिटी यूज नहीं करेगा, ठीक है, कोई किल नहीं करेगा प्रोजेक्ट, ठीक, जस्ट असिस्टेंस के लिए है, सर्वेंट लीडरशिप वाला सीन है इसके अंदर, जो टीम को हेल्प करेगा, ठीक है, सर्वेंट स्क्रम मास्टर भी हो जाए, ठीक है जी। अगर मैंने स्कोप है ना स्क्रम, पूरी हिस्ट्री नहीं, तो मैं जो क्लास में पढ़ाई थी ना वो पूरी हिस्ट्री थी, स्क्रम आया कहाँ से, और स्क्रम मास्टर को कहते हैं, ये बेसिकली ना वो कुंग फू से बेसिकली बना, उसके अंदर भी होता है ना कि वो जैसे डिस्कशन हो रही थी, वो फ्रंट जो लीडर होता है ना वो स्क्रम मास्टर होता है, वो लीड कर रहा होता है, जब फाइट करते हैं ना जब सारे, तो उस फाइट के अगेंस्ट ना वो बेसिकली उनको असिस्ट कर रहा होता है, जहाँ को रुकता है उसके अगेंस्ट जाकर उसको सपोर्ट करके फिर आ जाता है, फिर वो रुकता है उसको सपोर्ट करके फिर वापस आ जाता है, तो जो ना वो फाइट में ना वो इस तरह चल रहे होते हैं। कभी आप देखें ना वो जैपनीज कोई मूवी देखेंगे ना, तो जो मास्टर होगा ना वो पीछे खड़ा रहेगा, ठीक, और उनकी जो फाइट है ना उस फाइट में जब लोग लड़ते हैं तो तीसरा बंदा नहीं आएगा, और अगर आपकी मतलब कहीं पीछे है ना आपका पीछे वो बंदा खड़ा है वो पीछे से वार नहीं करेगा, ये रूल्स है, ठीक है। तो इस क्रम बेसिकली वहां से देखें कि इसमें ना ओपन रखना, ओपननेस है, चेंज को एक्सेप्ट करना ओपननेस है, अगर वॉर करनी तो फेस टू फेस करनी है। क्वेश्चन में ना याद रखना है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आए कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है एजाइल प्रोजेक्ट की, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक। आप कहेंगे फेस टू फेस है तो हमने कुछ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स भी पढ़ी थी, वर्चुअल पढ़ी थी, तो वहाँ तो फेस टू फेस ही हो जाता, तो यहाँ फेस टू फेस से मुराद है जो इंटरेक्टिंग टीम है, और दो डिजाइनर बैठे तो दो डिजाइनर हो सकता है एक ही इंटरव्यू में बैठे बैठे, तो वो जो आपस में एक मिनी कट करें ना फेस टू फेस होना चाहिए, ताकि कम से कम हर्डल्स आए, कम से कम विजिबिलिटी जो है ना वो हाईएस्ट विजिबिलिटी और कम से कम उसकी
ऑब्जेक्शन या हर्डल है, जितनी क्लैरिटी बेहतर होती है जल्दी काम होगा। ठीक है, तो स्क्रम बेसिकली वहां से ड्राइव हुआ, स्क्रम मास्टर। अच्छा, पीपल को देंगे, प्रोसेस एंड टूल्स पे नहीं जाएंगे। सेकंड क्या कहता है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन आइडिया कुछ ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने जितना पीएमआई का लेक्चर पढ़ा है, जितना कोर्स, उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो वॉटरफॉल में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। इसमें कहता है डॉक्यूमेंटेशन बनाए, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कम कर दें। ठीक, इसको हम देखेंगे जब लीन में जाएंगे, तो लीन में थोड़ा आप देखेंगे क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन करें, कम करें, हाँ नोट्स ले लें, लेकिन प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके डॉक्यूमेंटेशन करना, इट इज अगेन ए हैसल, वो टाइम वेस्टिंग है, आप जितना कह रहे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। इंस्टेड ये करें, वाई नॉट टू फंक्शनैलिटी डिलीवर करें। जैसा मैंने उसमें बात की थी कि ये वॉल बनानी है, मैं कस्टमर के पास जाऊँ, ये वॉल बनानी है ना, इससे पहले देखें ये IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिविल वर्क्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ये पेपरा के रूल्स हैं, ये वेंडर हायर करने के लिए ये अग्रीमेंट्स होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, ये पेंट की अथॉरिटी के लिए साइन करने पड़ेंगे, ये इसकी टाइल वर्क है, टाइल की स्पेसिफिकेशन ये है। मैं उसे 6-7 दिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अग्रीमेंट पे लगा दूँ। वाई नॉट कि मैं चीज़ बनाऊँ और उसको शो करूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता ठीक है, नहीं करता तो जो चीज़ चेंज कहता वो चेंज करके सकते हो। ठीक, तो आई विल बी डिलीवरिंग सम फंक्शंस। वर्किंग सॉफ्टवेयर से मतलब है कि कोई चीज़ मैं डिलीवर करूँ जो उसकी फंक्शनैलिटी हो, ताकि उसको विजिबिलिटी हो क्या चीज़ बनेगी। IT के प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मसला पता क्या होता है कि यूज़र को ना, एंड यूज़र को पता नहीं तो वो क्या बनवा रहा है। ठीक है, IT के प्रोजेक्ट मतलब मैंने जो बात की थी, आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, जब ये नहीं बनी थी, किसी ने नहीं बनवाई थी, तो किसी को पता था क्या होगा, उसने अपनी रिक्वायरमेंट दी होगी कि मुझे जी आपने मुझे एप्लीकेशन यूज़ करनी है। इसको थोड़ा आगे जाएंगे तो वो देखेंगे रिक्वायरमेंट कैसे आती है। वो कहा होगा जी मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करनी जिसके अंदर ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट हो और मैं ट्रांजेक्शन कर सकूँ। ठीक, आप इसके अंदर पर्पजेज हैं, रिक्वायरमेंट और पर्पज है। ठीक, मैं ये करना चाहता हूँ क्यों, इसलिए। ठीक, अभी जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको उन्होंने ब्रेक किया होगा, ब्रेक करके अब उसमें पर्पज लैदा कर दिया और रिक्वायरमेंट लैदा कर दिया। अब रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कोडिंग के लिए लैदा बंदा बैठा है, डिज़ाइन के लिए लैदा बैठा है, फ्रंट एंड के लिए बंदा लैदा बैठा है, बैक एंड के लिए लैदा बैठा है, कोड करके कलर किया, उसमें बनाया, बना के एक दफ़ा शो कर दिया होगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, उसे एक्सेप्ट किया हाँ ये चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये चेंजेस कर दें। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने फंक्शनैलिटी डिलीवर की है इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मैं उसे बैठ के पेपर पे लिखता रहा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, करूँ कुछ ना। ठीक, इसके अंदर ये होता ना, अनलेस के हम एग्जीक्यूशन में ना जाएं, उससे पहले सारे पेपर ही हो करने हैं। ठीक, और हमने बात भी की कि प्रोजेक्ट पे 30-35% जो टाइम है ना, वो प्रोजेक्ट प्लान पे देना चाहिए। ठीक, ये वाटरफॉल की अप्रोच है, एजाइल में इस तरह नहीं।